क्लास 12 हिंदी सुमिता नपंत का नौका बिहार का आज हम लोग व्याख्या देखेंगे स्टैंजा एक और स्टैंजा टू का। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। देखो इस नौका बिहार में, नौका का मतलब होता है नाव और बिहार का मतलब होता है घूमना, नाव में घूमना। तो नाव कहाँ जमीन पर थोड़े चलता है, नदी में चलता है। तो यहाँ नदी की बात हम लोग पढ़ेंगे और उस नदी का नाम होगा यमुना नदी। उसी यमुना नदी और जो चाहे गंगा नदी, दोनों तो एक ही साथ मिल करके रहती है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कैसे सुमितानंद पंत अपने मित्रों के साथ नाव पर बैठ करके यात्रा कर रहे हैं और जो दृश्य देख रहा है, जो नदी का दृश्य देख रहा है, उस नदी के दृश्य के बारे में बताते हैं। और ये कहानी प्रताप नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहीं से ली गई है, प्रताप नगर की बात के द्वारा ली गई है। उस नदी के किनारे एक राजा थे जिसका नाम था काला काकर। उसी काला काकर का राजभवन भी उस नदी के किनारे था। उसी के महल में जो सुमित्रानंद पंत जी हैं रुके थे, फिर अपने मित्रों के साथ नाव पर बैठ करके नदी में चलते हैं, नदी को दृश्य को देखते हैं और वर्णन करते हैं और बताते हैं। देखो नौका बिहार, नौका बिहार का मतलब होता है नाव पर घूमना, नाव नदी में चलती है और देख करके, माने जो जो नदी में जब नाव चलती है जो दृश्य देखते हैं उसका बड़ा इसमें किया है। आओ चलो। कथा है कि शांत स्निग्ध ज्योतोष्णा उज्ज्वल अपक अप अनंत निरो भूतल सकत सभ्या पर दूध धवल तवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपिक मृदुल करतल लहर उस पर कोमल कुंतल गौरे गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की शिकुरन से जिस पर शशि की रश्मि विभार पर सिमटी है प्रतुल मृदुल लहर। देखो ये पहली पंक्ति आपकी है, बहुत ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। नदी के बारे में वर्णन किया गया है तो कह रहा है इसमें कि शांत, बिल्कुल शांत वातावरण है। स्निग्ध, स्निग्ध माना होता है कोमल, स्निग्ध माने कोमल। चाँद ज्योतिषणा माना होता है चांदनी, देख रहे हो ना, जो ज्योति ज्योतिषणा माना होता है चांदनी और उज्ज्वल माना होता है सफ़ेद। उज्ज्वल माने क्या होता है, यानी पहला लाइन का अर्थ होगा, देखो रात के समय यात्रा कर रहे हैं, पहला लाइन का अर्थ होगा कि बिल्कुल शांत वातावरण है और चंद्रमा निकला हुआ है और सफ़ेद रंग का दृश्य दिखाई दे रहा है। हो जाएगा भाई, शाम के समय है, माने रात का समय है, चंद्रमा उगा हुआ है और सफ़ेद रंग का दृश्य क्या हो रहा दिखाई, भाई चंद्रमा सफ़ेद होता है, सफ़ेद दिखाई देता है, पहले रंग की हो गया। दूसरा में अपक बिना पलक झपकाए हुए, अनंत माने होता है आकाश, नीरव माने होता है शांत, नीरव माने शांत और भूतल माने पृथ्वी, भू माने भूमि, पृथ्वी मन कह रहे कि जो आकाश है बिना पलक झुकाए हुए, बिना पलक लपकाए हुए वो पृथ्वी शांत पृथ्वी को क्या कर रहा है, देख रहा है। अरे भाई नदी की बात हो रही है, एकदम चांदनी रात है, सफ़ेद रात है, चंद्रमा की प्रकाश जगमगा रहा है और जो आकाश है बिना पलक को झपकाए हुए, अपने आप को पलक को बिना झपकाए हुए वो पृथ्वी को क्या कर रहा है, देख रहा है। अदेव कैसा नदी का दृश्य कैसा दिखाई दे रहा है कि सैकत सया पर दूध धवल। देखो सैकत माना होता है बालू, सैकत माने बालू, सया माना होता है ऊपर, दूध माना होता है दूध के जैसे, धवल माना होता है सफ़ेद, तवंगी माना होता है पतली, पतली होता है, गंगा माने गंगा नदी, ग्रीष्म माना होता है गर्मी की ऋतु में और बिरल माना होता है पतली। माने कहोगे ना कि जो गंगा नदी है एकदम उसके ऊपर बालू ही बालू दिखाई दे, पानी सूख गया है, गर्मी का मौसम है, गंगा नदी है पानी उसका सूख गया है, एकदम पतली माने धारा के रूप में, देखिए बिरल माना होता है पतली धारा के रूप में बह रही है, कौन गंगा नदी, और उसमें रेत ही दिखाई दे रहे हैं, बालू के कण ही दिखाई दे रहे हैं, पानी सूखेंगे तो बालू दिखाई देंगे, बाढ़ आ जाएगा पूरा पैक हो जाएगा पानी से तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तीसरा वही कह रहा है कि जो गंगा नदी है ग्रीष्म, ग्रीष्म माने गर्मी की ऋतु, गर्मी की ऋतु है और गर्मी की ऋतु आने पर गंगा नदी एकदम पतली, जो पतली तवंगी माने पतली गंगा पतली धारा के रूप में बहती है, उसके बालू के कण दिखाई देता है। गंगा नदी की बात है, इसका मतलब गंगा नदी में वो क्या करने वाले हैं, नाव को चलाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और। तापस बला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपुत मृद करतल, तापस माना होता है तपस्वी, बाला माना होता है स्तर स्त्री स्त्री, अच्छा छूट गया कहा, लेटी माना होता है लेटी है श्रांत, आप पढ़ कर क्या रहे, श्रांत माने एकदम थकी हुई, माने एकदम शांति से, क्लांत माने थकी हुई, निश्चल माना होता है
यानी निश्चल माने जल नहीं चल रहे हैं, हाँ, तो माने इसका अर्थ होगा कि गंगा एकदम का है ना थकी हुई एकदम स्थिर है, उसका जल नहीं चल रहा है गर्मी के मौसम में। गर्मी का मौसम होता है तो पानी तो कमन हो जाता है, तो वही कह रहा है कि एकदम धीमा तरीके से नदी चल रही है। आगे बढ़ो, आगे इसमें कहता है कि तापस, तापस माने होता है तपस्वी, बाला माने होता है स्त्री, गंगा माने गंगा, निर्मल माने पवित्र, माने देगा तपस्वी स्त्री बहुत पवित्र होती है, वैसे गंगा नदी भी पवित्र दिखाई दे रही है, निर्मल माने पवित्र होता है। तपस्वी जो तपस्या करने वाला स्त्री होती है पवित्र होती है, उसी तरीके से गंगा नदी भी क्या हो रही है पवित्र दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शशि मुख से दीपक मृदुल करतल, शशि माने क्या होता है चंद्रमा, शशि माने दीपक, दीपक माने प्रकाशित, मृदु माने होता है कोमल, करतल माने होता है हथेली, करतल माने माने ऐसे कहोगे ना इसका माने कि जो चंद्रमा है चंद्रमा के प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, किसमें बन रहा है जो नदी है उसमें बन रहा है, जो चंद्रमा है उसका प्रतिबिंब किसमें बन रहा है नदी में। थोड़ा सा माने हार्ड है ये जानना, हार्ड का मतलब है कहानी माने नीरस टाइप के भाई, लेकिन कुछ खास इसमें नहीं है। माने यही कह रहा है कि तापस बाला गंगा निर्मल, तपस्वी स्त्री की तरह जो गंगा नदी है वो पवित्र है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं बन रहे हैं, लहर उस पर कोमल कुंतल, देखो कुंतल, कुंतल माना होता है करकराना, कह रहे हैं कि लहरें उस पर कोमल कुंतल, जो माने गंगा नदी के लहरें हैं जो प्रतिबिंब बना है, चंद्रमा देख लो रात का समय है, चंद्रमा उदय होगा तो चंद्रमा के प्रतिबिंब नदी में बनेगा, तो नदी में चंद्रमा के प्रतिबिंब बना है, जब उस पर लहरें चल रही है तो चंद्रमा के प्रतिबिंब ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, कोमल कुंतल हो हिल रहा भाई, लहरें जब चलेंगे तो क्या होगा चंद्रमा हिलेगा ना, तो ही हिल रहा है। आगे कह रहे इसमें गोरे अंग का सियर सियर लहराता तार तल सुंदर, अच्छा जैसे गोरे रंग की कोई स्त्री स्नान करने के बाद जैसे कांपती है ना, नहीं कांपती है, देखो मैं कांप रहा हाथ कांप रहा है ना, इस तरह से जैसे गोरे अंग के सियरना मन होता है कांपना, धीरे धीरे कांपना, जैसे कोई स्नान करने के बाद गोरा स्त्री का जो अंग होता है धीरे धीरे कांपता है, लहराता तार तल, तार माने तारा होता है और तरल माने समूह, वैसे ही जो तारों का समूह है, तारों का जो प्रतिबिंब उस नदी में बना है वो विकार है। अरे कभी देखना कभी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, चंद्रमा हुआ तारा हुआ जब उसका प्रतिबिंब नदी में बनता है, पानी ऐसे 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 कंपन करता है तो अभी बहुत कंपन बहुत अच्छा लगता है दृश्य। आगे बढ़ा, कह रहा कि चंचल अंचल सा नीलाम्बर, देखो चंचल माने चंचल, अंचल माने आंचल की तरह, नीलाम्बर माना होता है नीलाम्बर, नीला अंबर, नीलाम्बर माना अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, कहेंगे ना कि आंचल की तरह आकाश भी हिल रहा है, जैसे माने कोई स्त्री उसका जो आंचल होता है, आंचल कहाँ रखता है और जहाँ भी होता होगा, जैसे आंचल यहाँ पर रखते हैं फिर नीचे है तो माने हिलता है, उसी तरह से आकाश का प्रतिबिंब उसमें क्या हो रहा है हिल रहा है, किसमें किसमें नदी में। साड़ी की सिकुड़न से जिस पर शशि को रेशमी विभा भर, जगह साड़ी सिकुड़ जाता है और शशि माने क्या होता है चंद्रमा, रेशमी विभा भर, जैसे माने कहने को बताया जैसे साड़ी सिकुड़ जाता है, उसी तरीके से जो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस नदी में बन रहा है वो भी कभी सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने का मतलब क्या है, कभी पानी देख रहा है कंपन मारता है तो एकदम छोटा हो जाता है, पानी जब दूर चला जाता है तो फिर बड़ा होता है, इसी तरह से जगह साड़ी सिकुड़ जाता है, साड़ी सिकुड़ जाता है प्रेस आदमी करता है तो फिर सही हो जाता है, इसी तरह से वो भी दिखा रहा है, जहाँ भी शशि कहेगा चंद्रमा मानिएगा, और चंद्रमा का मतलब कि चंद्रमा का प्रतिबिंब उस नदी में बना है। आगे सुनो, सिमटी है बर्तुल मृदल लहर, देखो बर्तुल, बर्तुल माना होता है गोलाकार, बर्तुल माने गोलाकार, कभी कभी जो चंद्रमा के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ होती है सीमित जाती है, घुमावदार या वृत्तकार जो भी कहोगे, तो कभी कभी जो चंद्रमा का वृत्तकार माने जो चंद्रमा गोल है ना तो उसका जो वृत्तकार प्रतिबिंब बनता है कभी कभी सीमट जाता है, सीमट माने मन इकट्ठा हो जाता है छोटा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आठ पहर होता है याद है ना, कितने पहर होते हैं एक पहर तीन घंटा गायत्री का चौबीस, अच्छा मैं पिछला साल राजू सर जी नहीं थे तो मैंने पढ़ाया था इसको खूब सुंदर तरीके से, बच्चे याद करते आज भी। चलो, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता का सस्मित सिपी पर, मोती का ज्योतस्ना रही बिचार, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी, हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल, पालो के पुर पर निश्चल जल के सूची दर्पण पर विमृत हो, रजत पालन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन सोया हो, जल में निश्चय प्रमाण पलकों पर बेबस स्वप्न सघन। चलो बराबर देखो, चांदनी रात का प्रथम पहर, इसका अर्थ होगा कि चांदनी रात का पहला पहर था माने प्रथम पहर था,
चांदनी रात मान लो 6 बजे से लेकर 9 बजे ले, तो उस समय माने चांदनी रात का प्रथम पहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर माने तेजी से, सत्वर माने सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हम अपने मित्रों के साथ नाव लेकर तेजी से नदी में क्या करने लगे, चलने लगे। सिक्ता, सिक्ता, सिक्ता माने होता है बालू, सिक्ता माने बालू, सस्मित माने होता है मुस्कुराती हुई, और सिपी पर मोती के ज्योतस्ना, ज्योतस्ना माने चंद्रमा के चांद के प्रकाश में, मैंने कहोगे ना कि जो बालू के कण थे और जो सिपी थी उस सिपी पर जब चंद्रमा के प्रकाश पड़ रहे थे तो चंद्रमा माने सिपी मोती की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थी। आखिर ज्योतस्ना माने क्या होता है, चंद्रमा होता है। अभी आपको ऊपर भी बताया गया हमने कि जब जो माने नदी थी, नदी के किनारे बालू थे, बालू के ऊपर सिपी थे, सिपी आप जानते ही होंगे, और सिपी पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ा तो मोती की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हैं। लो पाले चढ़ी उठा लंगा, चलो पाले का मतलब क्या होता है ना, पाले का होता है, पाले वो होता है ना, जैसे सुनो पाले का मतलब होता है कि जैसे पानी को ठेला जाता है तो नाव क्या होता है, आगे बढ़ता है। और लंगर उठी, लंगर जानते हो क्या होता है, जैसे जहाँ न सुन रहे हो, जहाँ नाव को रुकना होता है उस नाव के नीचे एक लोहा का फंसाने वाला होता है, जब नीचे पानी में डाल दिया जाता है उसको, जितना ऊंचाई होता है जा करके उसमें फंस जाता है, नाव इधर उधर नहीं जाता है। तो लंगर अब जब नाव को चलाना है तो लंगर को क्या कर दिया, उठा लिया गया, लंगर उठा लिया गया, पाले चढ़ा लिए गए, पाले से पानी को ठेलना शुरू किए, नाव आगे बढ़ना उसने क्या हो गया, शुरू हो गया। चलो आय कहता है कि मृदु मंद मंद, मंद माने धीरे धीरे, मंथर मंथर माने छोटी छोटी, लघु माने भी होता है छोटी छोटी, तरणी माने होता है नाव, हंसनी से सुंदर, हंसनी माने होता है हंस की तरह। अच्छा को जो नदी जो नाव है ना, छोटी छोटी जो नाव है वो नाव जगह हंस पानी में तैरता है उसी तरीके से नाव भी तैरता हुआ आगे क्या हो रहा था, माने हंस की तरह, हंस की तरह नाव तैरता हुआ आगे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और तीर रही खोल पालो की पर, देखो तीर रही खोल पालो, पालो का मतलब अभी आपको बताया गया कि अब जो तीर थे, तीर माने किनारा होता है, अब जो पाले थे वो किनारे से चलाना शुरू कर दिया गया, नाव आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अरे पनिया नहीं ठेला जाता है पीछे, पानी जितना पीछे ठेलोगे उतना ही नाव आगे बढ़ता है। आगे कह रहा है कि निश्चल जल के सूची दर्पण बिंबित हो रजत पालन निर्भर। अच्छा इसका अर्थ बढ़िया समझो, निश्चल माना होता है शांत, शांत होता है, ठीक है। जल माने जल होता है, सूची, सूची माना होता है स्वच्छ, सूची माने स्वच्छ। दर्पण माना होता है दर्पण, आ बिंबित माने दिखाई दे रहा था, रजत माना होता है चांदी के, आ पुलिन माना होता है तट, पुलिन माने क्या होता है तट। अच्छा क्या दिखाई दे मालूम है कि जल एकदम साफ है, किसका जल भाई, गंगा नदी का, आ गंगा नदी का जल साफ है और उस पर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है, नदी जल साफ तो चंद्रमा का तो प्रकाश साफ साफ दिखाई देगा। आगे दोहरे ऊंचे लगते हैं क्षण भर। अच्छा कभी कभी दोहरा प्रतिबिंब, दोहरा ऊंचे का मतलब होता है जो प्रतिबिंब कभी कभी दोहरा दिखाई देता है। कभी देखिएगा ना जो ब्रिज है, आ ब्रिज का प्रतिबिंब बना हुआ है, जब पानी हिलता है तो ऊपर एक और बनता हुआ दिखाई देता है, दोहरा प्रतिबिंब उसी को कहा जाता है। कभी कभी आपको आंखिया से डबल दिखाई देने लगता है, कभी कभी हो जाता है, कब कब आदमी रोता है ना, गम में रोता है तो आँख मिचता है तो कहता हूँ तो बल्फ आपको दो दिखाई देता है, तो उसे दो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस नदी में। हाँ काला काकर का राजभवन सोया है जल में नीचे, प्रमर, प्रमर मन होता है ना, प्रमर तो होता है मन को प्रसन्नित करके, प्रमर का मतलब होता है प्रफुल्लित होकर के। देखो काला काकर का राजभवन, काला काकर एक राजा का नाम है, राजभवन का मतलब उसका महल जो है ना, सोया जल में निश्चित प्रमर पलकों पर बेभव स्वप्न सघन, इसका अर्थ होगा कि देखो प्रताप नगर के राजा कौन थे, काला काकर थे, और उस काला काकर का जो महल था वह नदी के किनारे था, और नदी का जो किनारे जो महल था उसका प्रतिबिंब नदी में बंद रहता है, एकदम निश्चिंत होकर के उसमें क्या हुआ था, सोया हुआ था, और अपने पलकों पर सपन लेकर के सोया हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।